चलिए बात करेंगे आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल से रविवार को करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद सीबीआई दफ्तर से निकले अरविंद केजरीवाल ने पूरे घोटाले को ही फर्जी बता दिया। शराब घोटाले में आखिरकार रविवार को दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी सीबीआई के सामने हाजिरी लगानी पड़ी और करीब 9 घंटे तक सीबीआई के सवालों का जवाब देना पड़ा। हालांकि करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद भी सीएम केजरीवाल का केंद्र पर गुस्सा कम नहीं हुआ और सीबीआई दफ्तर के बाहर निकलते ही उन्होंने मीडिया के सामने केंद्र पर हमला शुरू कर दिया। जितने प्रश्न उन्होंने पूछे उन सबके मैंने जवाब दिए। जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है और ये पूरा का पूरा कथित एलेज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस बीच दिल्ली सरकार ने आज एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है जिसका अब बीजेपी विरोध जता रही है। बीजेपी का आरोप है कि ये विशेष सत्र सीबीआई के समन के बाद बुलाया गया। विशेष सत्र के विरोध में बीजेपी दिल्ली विधानसभा का घेराव करेगी।